सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहले वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने कभी भी रिएक्शंस वीडियो नहीं बनाया। और आज के इस वीडियो में मैं हर्ष राजपूत, जो कि यूट्यूब का सबसे फेमस चैनल है, उनका एक वीडियो है भोजपुरी सिंगर करके, तो उस पर रिएक्शन दूंगा। तो मेरे टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, खत्म हाँ स्टार्ट करते हैं। चलो लेकर ना। आपके न्यूज आज भर ढील दा, ढोड़ी जनी छील दा, थकल बा मिजाज हौ वाला फील दा, बहिया में उठा के सैया मारे ला कचा कच, लहंगा में खूटा ठोकाई। ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ ये मेरी फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये हमारे जो महान जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसके गानों के लिरिक्स हैं। इस तरह के गाने मतलब गाए जाते हैं। ये पहला इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको लहंगा में ज्वालामुखी से लेके बम विस्फोट तक सब होता है। इस इंडस्ट्री में मतलब कुछ भी हो रहा है। तो आइए इसी पर हमारी आज की जो है धाकड़ रिपोर्ट है इसी पे है। तो हम कुछ लोगों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो गाने हैं इस पर क्या उनका विचार है। ये देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे हैं, इनसे थोड़ी सी हम बातें करते हैं। मजा मारे हमरा संगे चलम मकैया में राजा जी, किस तरह का मजा मारना चाहता है लेखक? हम तो अभी आए, हमको किस तरह का मजा मारना चाहता है भाई? पूरा पहली बात भाई, ये एक सिर्फ रिएक्शन वीडियो हो रहा है तो कॉपीराइट का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करना, ठीक है, और लास्ट में बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। नहीं मालूम अभी आना जी। ये देखिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगातार हो रही है। तो हमने सोचा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे गानों की शूटिंग होती है भोजपुरी गानों की, कैसे जो सिंगर है उमा चोटते हैं वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो है भोजपुरी गानों की यहाँ पे शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो यही आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से वो लोग जो है कि जो भी गाना होता है उसका किस तरह से गाना मारते हैं। तो यहीं पे गाना उना है जी का एकदम खोपचा में बनाया है। देखिए अंदर एकदम म्यूजिक चल रहा है, लग रहा है कि कुछ चीज़ का इन लोग शूटिंग वूटिंग कर रहा है। आइए इनसे बातें करते हैं कि आखिर क्या रीजन क्या है कि क्यों इस तरह का अश्लील गाना हो गया, जो भी उल्टा पुल्टा चीज हो गया, मतलब क्यों बनाता है। आइए हम लोग आके इनसे बातें करते हैं थोड़ा सा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, म्यूजिक चल रहा है। हेलो हेलो, थोड़ा सा म्यूजिक रोकिएगा जी। यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या जी? यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है जी। जी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाना का यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिवाकर परदेसी हुआ। दिवाकर परदेसी म्यूजिक डायरेक्टर हैं हम यहाँ पे। म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, जी। तो मतलब जो भी नया सिंगर उंगर आता है तो उसको आप गाना बनवा के देते हैं? हाँ, नए नए गाना, तरह तरह के सिंगर आते हैं, लोग सबको गाना बना करके हम लोग देते हैं। अच्छा अच्छा, गाना गवाते हैं। तो ये जो है आपका मतलब क्या चार्ज क्या है गाने का? मेरा ऑडियो का 5,000 है और वीडियो का 9,000 रुपये लेते हैं। मतलब 5,000 दे के कोई भी आंडू गांडू गा सकता है ना? हाँ, जो भी गाना है उसको गा। जा भाई तेरा। तो ये अच्छा, अभी बताइए जैसे हम आपको 5,000 रुपए दिए हैं तो गाना लिखने में तो समय लगेगा, तो फिर कैसे? हाँ समय लगता है, लेकिन मेरे पास राइटर है। हेलो हेलो, तेरे जैसा लग रहा है, तेरे जैसा लग रहा है। कुछ हद तक अच्छे हैं, यही राइटर है जी। जी, यही चोली जंगिया लिखते हैं भोजपुरी में ना। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। जोगिंदर जहरीला, बहुत बढ़िया नाम है जी आपका। तो आप क्या राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? जी, गाना लिखते हैं आप जी। तो अभी हमको ये बताइए कि अभी बहुत तरह का इल्ज़ाम लग रहा है भोजपुरी पर कि मैंने कुछ लौड़ा लहसुन इन लोग बना के गा रहा है पब्लिक में भी, जो हम अपने परिवार वालों के साथ नहीं देख सकते हैं उस तरह का गाना भी इन लोग बना रहा है, तो उस पर क्या विचार है आपका? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो है कि टोटल ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ों का क्या मतलब निकालते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ऑडियंस ही चुतिया है ना? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, क्या है कि दो अर्थ होता है गाने का। अच्छा, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऑडियंस को है ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा दे पाएँ और उनको वो जो आनंद उठा पाए, इसीलिए हम दो अर्थों वाला गाना ज़्यादा निकालते हैं। दो अर्थ मतलब कि ऑडियंस को मतलब जिसका जैसा मतलब निकालना है वो निकाल लें जी। जैसा एक गाना है जोगिंदर जहरीला जी, बहिया में कसी के सैया मारे ला कचक कच कच कच, इसका पहला मतलब तो पता है, दूसरा मतलब क्या है? देखिए ये जो है बहिया में कसी के सैया मरे ला कचा कच, इसमें कवि जो है वो कहना क्या चाहता है? इसमें जो है वो कवि का तात्पर्य यह है कि जो बाहों में जो है कस के और जो है वो प्यार का एक तरह से इजहार कर रहा है कभी। अच्छा जी, ताकि तभी वो कह रहा है कि बहिया में कसी के सैया और कचा कच, प्यार का मतलब वो इजहार है और मतलब कुछ वो प्यार है ना? जी जी बिल्कुल, मतलब जैसे हम लोग को नहीं पता है जी कि कच कच का आवाज क्या करने में आता है, यही है मतलब ना।
कच कच हमको पता है, सब पता है कैसे आता है आवाज कच कच का, कुछो साला इन्हें लिख देता है जी तो। और ये देखिए इस तरह का गाना इन लोग बनाता है, लहंगा में बाढ़ आइल बा, नदी नाला भूल जाइए बहन, जो लहंगा में ही बाढ़ आएगा, रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, राजा जी चली थ्रीसम करे, देखिए थ्रीसम तक भी इन लोग पहुंच गया, चोली फिंगरप्रिंट वाला बुलेट प्रूफ चोली, बहन चोद जब चाइना से युद्ध होगा तो चोलिए दे दो सबके साला, बुलेट प्रूफ चोली बनाया ही नहीं, लही डंटा हिलावा आधा घंटा माई के चोद। देखिए इस तरह का गाना जो है इन लोग लगातार बनाता है, देखिए एक सिंगर भी है वहाँ पे जो गाना गा रहे हैं, उनको थोड़ा सा बुलाना चाहेंगे, उनको थोड़ा सा बुलाइए कि किस तरह का गाना वो गा रहे हैं, उनको थोड़ा सा इधर आइए, आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन लोग यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना बना के लिरिक्स उरिक्स जो भी है उसका गान मार देता है इन लोग। भाई इनसे हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं सिंगर अनिल कुमार। अनिल कुमार जी तो आप सिंगर हैं तो कहीं से तालीम लिए हैं आप? नहीं कहीं से तालीम नहीं लिए हैं। मतलब कहीं से नहीं सीखे हैं? कोई गुरु वुरु है आपका? नहीं कोई गुरु नहीं। मतलब आपने एक दिन उठे और लगा कि गाना गाना चाहिए तो अपना निकल दिए ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्या अश्लील गाना भी गाते हैं आप? नहीं मैं अश्लील गाना नहीं गाता। अश्लील गाना नहीं गाते हैं? मैं अश्लील गाना नहीं गाता जी। तो एक बहुत ही अच्छे हमें सिंगर मिले हैं जो अनिल जी हैं, इनका कहना है कि अश्लील गाना नहीं गाते। इसका शक्ल देख रहा है कितना शरीफ लग रहा है, इतना शरीफ सिंगर आप पैदा कर रहे हैं। भी भोजपुरी के लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि इस तरह के लोग जो है इंडस्ट्री है वही इंडस्ट्री को बचाए हुए हैं, इसी तरह का अच्छा गाना जो है वो आना चाहिए और दर्शकों को यही सुनना चाहिए ना जी, हैं अब उल्टा पुल्टा कहाँ सुनेगा आदमी। तो हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए कि आप अश्लील गाना नहीं गाते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं, तो किस तरह का एग्जाम्पल होना जी, चाहिए? हाँ सुनाइए एक बार। बोलता चूड़ी हमार तनहा अकेला में, देखिए भैया जो बोलता चूड़ी हमार तनहा अकेला में, गांव नगर छोड़ ऐनी पियावा के डेरा में, गांव नगर छोड़ ऐनी पियावा के डेरा में, अब तो चोलिए में, अब तो चोलिए में। चोली जंगल लिखता है इस तरह का, देखिए राइटर चलो जी साला 10 साल से इनका चोली का बटन नहीं खुले है, चोली अथी लहसुन साला खतरा से चिपका हुआ है इस तरह का, देखिए यही इन लोग बैठ के बर्बाद किया है भाई, जो कुछो बना रहा है लौड़ा लहसुन जोगिंदर जहरीला हूँ। तो हम आपसे कहेंगे कि इस तरह का जो गायक है उन लोग को सपोर्ट मत कीजिए, अच्छा सुनिए, चोली जंगिया लौड़ा लहसुन सुनने से क्या फायदा है। तो इस तरह का बातें बन रही, चलो जी निकलो यहाँ से, इन्हें भाई जो फिर दो मिनट में कुछो गाना बना देगा। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए धाका न्यूज के साथ, खुलेगा कैसे रे तुम्हू गाना बनाएगा का रे तो भाई ये था हर साथ का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर करना, ठीक है? और ये बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।